हेलो, मैं हूं आशीष और आप देख रहे हैं द लीगल इनसेन। एंड आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम समझेंगे कि जब पुलिस FIR दर्ज होने के बाद भी सही तरीके से इन्वेस्टिगेशन केस में नहीं करती है, सही समय पे चार्जशीट फाइल नहीं करती है, या चार्जशीट फाइल कर देती है उसमें जो सेक्शंस हैं, जो FIR में सेक्शंस लगे थे ग्रीवियस नेचर के, उन सभी सेक्शंस को हटा देती है, छोटे मोटे सेक्शंस में चार्जशीट फाइल करती है। और कभी कभी पुलिस की एक्यूज्ड से जब ज़्यादा मिलीभगत हो जाती है या पुलिस जो है एक्यूज्ड से पैसे ले लेती है तो उसके खिलाफ वो केस भी ख़त्म करके क्लोजर रिपोर्ट फाइल कर देती है। तो इन सभी पर्टिकुलर सिचुएशंस में जब विक्टिम को लॉस होता है, उसको जस्टिस नहीं मिल पाता है, तो कैसे जो है वो इन सभी सिचुएशंस से डील करे, कैसे वो प्रॉपर तरीके से इन्वेस्टिगेशन करवाए पुलिस से, कैसे वो सही समय पर चार्जशीट फाइल करवाए, और अगर पुलिस ने चार्जशीट फाइल की है और उसमें सेक्शंस हटा दिए हैं तो कैसे उन सेक्शंस को ऐड करवाए विक्टिम, या क्लोजर रिपोर्ट अगर फाइल हो गई है तो कैसे उसको डील करें। ये सही चीज़ें हम आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में समझने वाले हैं। सो स्टे ट्यून्ड थ्रू आउट द वीडियो सो दैट यू कुड हैव अ वेरी बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑन दिस सिचुएशन। देखो, नॉर्मली क्या होता है कि जैसे ही FIR रजिस्टर होती है तो पुलिस का काम होता है इन्वेस्टिगेशन करना। इन्वेस्टिगेशन में पुलिस एविडेंसेस कलेक्ट करती है और उसको चार्जशीट के फॉर्म में कोर्ट में फाइल करती है। लेकिन पुलिस बेसिकली बहुत ही केयरलेस तरीके से इन्वेस्टिगेशन करती है और इन्वेस्टिगेशन काफ़ी लंबे समय तक चलता है, जिसका एक्यूज्ड फ़ायदा उठा सकता है। कुछ केसेस में जिसमें मैक्सिमम पनिशमेंट 7 साल की है, उसमें 60 दिनों के अंदर पुलिस को चार्जशीट फाइल करनी होती है इन्वेस्टिगेशन ख़त्म करके। कुछ केसेस में जिसमें मैक्सिमम पनिशमेंट उम्र कैद या फिर डेथ पेनल्टी की पनिशमेंट है जिन ऑफेंसेस में, उसमें पुलिस के पास 90 दिनों का टाइम होता है। अगर पुलिस उसमें 90 दिनों के अंदर चार्जशीट फाइल नहीं करती है इन्वेस्टिगेशन ख़त्म करके, तो फिर यहाँ पर एक्यूज्ड अगर वो कस्टडी में है, जुडिशियल कस्टडी में है, जेल में है, तो वो बेल लेकर बाहर आ सकता है। उसके पास डिफ़ॉल्ट राइट होता है बेल लेने का, अगर पुलिस सही समय पे इन्वेस्टिगेशन नहीं करती है। और अगर वो बेल लेकर बाहर आ जाता है तो वो फिर इन्वेस्टिगेशन को प्रभावित कर सकता है, वो विटनेसेस को डरा धमका सकता है, उनको प्रलोभन दे सकता है कि उसके खिलाफ वो बयान ना दें या अपने बयान को चेंज कर दें, वो जितने भी एविडेंसेस हैं वो उनको डिस्ट्रॉय कर सकता है, ख़त्म कर सकता है, पूरे इन्वेस्टिगेशन को प्रभावित कर सकता है। तो यहाँ पर जो विक्टिम है, जो कंप्लेनेंट है, उसको नुकसान होता है। तो कैसे उस विक्टिम को इन्वेस्टिगेशन सही समय पे करवाना है ये समझेंगे। देखो, नॉर्मली क्या होता है कि जब भी इन्वेस्टिगेशन में डिले हो रहा है ना, तो विक्टिम को कोर्ट अप्रोच करना चाहिए CRPC के सेक्शन 156 सब क्लॉज 3 में। सेक्शन 156 सब क्लॉज 3 के रिगार्डिंग एक बहुत ही फेमस और लैंडमार्क जजमेंट है, सकीरी वासु वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, जिसमें मार्कंडेय काजू साहब ने कहा था कि जो सेक्शन 156 सब क्लॉज 3 है, इसका स्कोप बहुत बड़ा है। इसमें कोर्ट जो है पूरे इन्वेस्टिगेशन को भी मॉनिटर कर सकती है, वो देख सकती है कि प्रॉपर तरीके से इन्वेस्टिगेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो अगर केस में प्रॉपर तरीके से इन्वेस्टिगेशन नहीं हो रहा है तो विक्टिम को तुरंत कोर्ट अप्रोच करना चाहिए, सेक्शन 156(3) में एप्लीकेशन लगानी चाहिए और कोर्ट से रिक्वेस्ट करनी चाहिए कि इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर तरीके से नहीं हो रही है, उसकी मॉनिटरिंग की जाए। तो कोर्ट यहाँ पर उस इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर से उस पूरे केस का जो डेटा है वो रिकॉल कर सकती है, मांग सकती है और उससे पूछ सकती है कि किस तरीके से इन्वेस्टिगेशन हो रही है और अभी तक इन्वेस्टिगेशन कहाँ तक पहुँची है। तो इस तरीके से इन्वेस्टिगेशन को सही टाइम पर ख़त्म करवा के चार्जशीट कोर्ट में फाइल करवाई जा सकती है सेक्शन 156 सब क्लॉज 3 में CRPC के। अब इसके बाद सपोज़ करो कि पुलिस ने चार्जशीट फाइल कर दी है, लेकिन जो रेलिवेंट सेक्शंस थे अगर पुलिस ने उन सभी को ड्रॉप कर दिया है, तो यहाँ पर जो विक्टिम है वो कोर्ट में दोबारा से एक प्रोटेस्ट पिटीशन फाइल कर सकता है। वो प्रोटेस्ट पिटीशन में कोर्ट से बोल सकता है कि जो चार्जशीट फाइल हुई है या जो भी इन्वेस्टिगेशन हुआ है उस केस में, उससे वो संतुष्ट नहीं है, क्योंकि उसके पास एविडेंसेस हैं जिससे प्राइमा फेसाई क्लियर है, स्पष्ट तरीके से क्लियर है कि एक्यूज्ड ने ऑफेंस किया है, और उस ऑफेंसेस के रिगार्डिंग जो भी सेक्शंस थे वो चार्जशीट में है ही नहीं, क्योंकि पुलिस ने वो सारे सेक्शंस ड्रॉप कर दिए हैं, इन्वेस्टिगेशन सही तरीके से नहीं की है। तो यहाँ पर प्रोटेस्ट पिटीशन के माध्यम से उस केस में दोबारा से इन्वेस्टिगेशन करवाई जा सकती है। इसी तरीके से अगर पुलिस ने क्लोजर रिपोर्ट फाइल कर दी है, तो क्लोजर रिपोर्ट भी जब फाइल होती है तो कोर्ट पहले विक्टिम को बुलाता है, कंप्लेनेंट को बुलाता है और वो बताता है कि भाई आपके खिलाफ क्लोजर रिपोर्ट पुलिस ने फाइल की है। तो यहाँ पर भी ऑप्शन होता है प्रोटेस्ट पिटीशन फाइल करने का। विक्टिम प्रोटेस्ट पिटीशन फाइल करके वो सारे एविडेंसेस जो उसके पास हैं वो कोर्ट को दिखा सकता है, शो कर सकता है कि उसके पास प्रॉपर एविडेंसेस हैं जिससे ये पूरी तरह से क्लियर है कि ऑफेंस हुआ है, लेकिन पुलिस ने एक्यूज्ड को बचाने के लिए क्लोजर रिपोर्ट फाइल की है। तो यहाँ पर भी जो है कोर्ट दोबारा से इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करवा सकती है और CRPC के सेक्शन 173 सब क्लॉज 8 में दोबारा से चार्जशीट फाइल करने के लिए पुलिस से बोल सकती है।
तो इस तरीके से सीआरपीसी के सेक्शन 156 सब क्लॉज 3 का यूज़ करके या प्रोटेस्ट पिटीशन फाइल करके जो इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर तरीके से नहीं हुई है उसको दोबारा से इन्वेस्टिगेशन करवाया जा सकता है और चार्जशीट में जो सेक्शंस हटा दिए गए हैं उनको दोबारा से ऐड करवाया जा सकता है। और अगर पुलिस ने क्लोजर रिपोर्ट फाइल किया है तो उसके अगेंस्ट भी प्रोटेस्ट पिटीशन फाइल किया जा सकता है कोर्ट में और कोर्ट को सेटिस्फाई करके उस केस में दोबारा से इन्वेस्टिगेशन करवाया जा सकता है। इस तरह से इन्वेस्टिगेशन भी सही समय पर होगी, चार्जशीट भी सही समय पर फाइल की जाएगी और जो एक्यूज्ड है वो इसका फ़ायदा नहीं उठा पाएगा बेल देने में और ना ही वो फिर इन्वेस्टिगेशन को प्रभावित कर पाएगा। तो इस तरीके से आप अपने केस को बचा सकते हैं और प्रॉपर जस्टिस ले सकते हैं। सो आई होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय।